कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद देश भर में लोगों के भीतर आक्रोश है। पूरे देश भर में मेडिकल से लेकर महिला संगठन तक इस अपराध के खिलाफ खड़े हुए हैं। सभी लोग ट्रेनी डॉक्टर की मौत का इंसाफ मांग रहे हैं। आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की जा रही है। पिता ने कहा कि उनकी बेटी के लिए लड़ते और न्याय की मांग करते देख उन्हें हिम्मत मिल रही है। पिता ने कहा कि देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने उनकी हिम्मत को बढ़ाया है। उन्होंने कहा, हमें हिम्मत भी रखनी है और आशा भी। पिता ने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसकी सजा आरोपी को मिलनी चाहिए। पिता ने बताया कि उनकी बेटी केवल नौकरी करती थी और पढ़ाई करती थी। पिता ने बताया कि उनकी बेटी डायरी भी लिखती थी। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि एमडी में मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। पिता ने बताया कि हमने बहुत मुश्किलों से उसे पढ़ाया था। पिता ने कहा कि एक रात और एक हादसे में उनका सपना चूर चूर हो गया। चौदह अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट अभियान की शुरुआत की गई। पंद्रह अगस्त होने से ठीक पांच मिनट पहले देश भर में इस कैंपेन को चलाने का ऐलान किया गया। इसके तहत विरोध प्रदर्शन करके महिलाओं के लिए रात का अपना अधिकार हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि साल 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उस समय भी रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन किया गया था।